वंस अगेन वेलकम क्लास सिक्स। हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया था अपने लास्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर सिक्स, नोएडा बॉय अर्जुन वाजपेयी, आज का ये वीडियो उसके बुक वर्क के लिए है, आपके नोटबुक वर्क के लिए है। तो सबसे पहले जो बुक वर्क आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन से, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन के साथ में उसके चार ऑप्शन भी हैं। उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उस करेक्ट ऑप्शन को हमें छांटना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है माउंट लुत्से इज हाइट। यहाँ पर माउंट लुत्से की हाइट के बारे में पूछा गया है, कितनी हाइट है। चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने आपको एक्यूरेट इसकी हाइट बताई थी, आपको ध्यान होगा 8516 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, 8516 मीटर। सेकंड, अर्जुन्स रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द यंगेस्ट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वाज ब्रोकन बाय, अर्जुन्स रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द यंगेस्ट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वाज ब्रोकन बाय, यानी कि अर्जुन का जो रिकॉर्ड था सबसे युवा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला वो तोड़ा गया। ए 12 ईयर्स ओल्ड बॉय, ए 15 ईयर्स ओल्ड बॉय, ए 13 ईयर्स ओल्ड बॉय और ए 14 ईयर्स ओल्ड बॉय। तो आपको पता है एक अमेरिकन लड़के के द्वारा जो कि 13 ईयर्स ओल्ड था, यहाँ पर केवल उसकी एज की बात हो रही है, तो उसकी आयु थी 13 ईयर्स ओल्ड। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, अर्जुन वॉन्ट्स टू फॉलो इन द फुट स्टेप ऑफ द लेजेंडरी क्लाइंबर। जो लेजेंडरी क्लाइंबर्स थे वो किन के पद चिन्हों पर चलना चाहते थे अर्जुन? चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, सर एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नॉर्गे, रेनहोल्ड मैंसर एंड नन ऑफ द एबो। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, रेनहोल्ड मैंसर। फोर्थ, अर्जुन्स नेक्स्ट स्टॉप इज माउंट केटू, माउंट कंचनजंगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल उसका नेक्स्ट स्टॉप था, साउथ पोल पर उसको पहुंचना था। तो ये चार जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस एंड आंसर की तरफ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, लगभग 12 क्वेश्चंस, देखते हैं। विच माउंटेन डिड अर्जुन वाजपेयी क्लाइम बिफोर क्लाइंबिंग माउंट लुत्से। यहाँ पर पूछा गया है माउंट लुत्से पर जाने से पहले किस माउंटेन पर अर्जुन वाजपेयी के द्वारा चढ़ा गया था। तो आप सभी को पता है वो माउंटेन कौन सा था, वो माउंटेन था माउंट एवरेस्ट। आंसर नंबर 1 माउंट एवरेस्ट। काफ़ी है इतना ही, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज हिज रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंबिंग द फर्स्ट माउंटेन सेटल्ड एंड बाय होम, यानी कि कब और किसके द्वारा जो यंगेस्ट इंडियन का जो खिताब था किसके द्वारा तोड़ा गया और कब तोड़ा गया? आंसर देख लीजिए, हिज रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट एज ए 16 ईयर ओल्ड इन 2011 में 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। वह शैटर्ड, ये बिखर जाता है, टूट जाता है अबाउट एन आवर लेटर, लगभग एक घंटे के बाद ही, बाय ए 13 ईयर्स ओल्ड अमेरिकन, एक 13 वर्ष के अमेरिकी लड़के के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मैसेज डिड ही सेंड हिज मदर आफ्टर क्लाइंबिंग माउंट लुत्से। माउंट लुत्से पर चढ़ने के बाद इन्होंने अपनी माता को क्या मैसेज किया था अर्जुन वाजपेयी ने? आंसर, ही सेंड द मैसेज। मैसेज क्या था? ही सेंट द मैसेज, हिप हिप हुर्रे मॉम, आई डिड इट एंड आई कैन सी माउंट एवरेस्ट एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, आई एम एंजॉइंग द व्यू। दिस वॉज द मैसेज विच वॉज सेंट बाई अर्जुन वाजपेयी टू हर मदर व्हेन ही वॉज एट द पीक ऑफ माउंट लुत्से। हिप हिप हुर्रे मॉम, आई डिड इट, मैंने ये कार्य कर दिखाया। आई कैन सी माउंट एवरेस्ट, और मैं देख पा रहा हूँ, देख सकता हूँ माउंट एवरेस्ट को, एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और ये बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। आई एम एंजॉयिंग द व्यू, और मैं इन दृश्यों का आनंद ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 4, हु एकम्पनीड हिम इन हिज क्लाइंब। जब ये माउंट लुत्से पर गए तो इनके साथ में कौन कौन था, ग्रुप जो ट्रुप था इनका, उसमें कौन कौन लोग गए थे? तो देखिए कौन कौन लोग गए थे, नागा डोर्जी शेप्रा,
नवांग शेपरा एंड नेमा टीशरिंग शेपरा एकम्पनीड हिम इन द क्लाइम। ये सब लोग इनके साथ थे, आप नाम ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अर्जुन्स एम, अर्जुन का एम उद्देश्य लक्ष्य क्या था। आंसर, टू क्लाइम ऑल 14 ओवर 8000 मीटर पीक्स इन द वर्ल्ड एंड बिकम द यंगेस्ट टू अचीव द फीट। उनका उद्देश्य था कि जितने भी 14 ओवर 8000 मीटर पीक्स हैं, जितने भी 14 पीक्स हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है, उन पर चढ़ने का इनका लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज हिज मदर्स रिएक्शन ऑन हियरिंग दैट अर्जुन हैड क्लाइम्ब्ड माउंट लोत्से। जब माउंट लोत्से पर ये पहुंच जाते हैं तो उनकी मदर जो थी, उनकी रिएक्शन क्या थी, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। आंसर 6, सी फेल्ट रिलीव्ड, काफ़ी रिलीव्ड महसूस करती हैं एट हियरिंग हिज वॉइस, जब वो उसकी आवाज़ सुनती हैं माउंट लोत्से, वो कॉल करते हैं वहाँ से। शी सेड इट वॉज ए मेमोरेबल टाइम, इट वॉज ए मेमोरेबल टाइम ऑफ हर लाइफ। उनकी माता जी कहती हैं कि उनके लिए एक यादगार समय है। एंड हर सन वॉज फुलफिलिंग हर ड्रीम्स, और जो उनका पुत्र है अर्जुन वाजपेयी, उन्होंने उनके स्वप्न को पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 7, वॉट वॉज हिज फादर्स एडवाइस टू अर्जुन। उसी समय जब वो वापस आ रहे थे तो उस समय अर्जुन के फादर की क्या एडवाइस थी अर्जुन के लिए। आंसर, हिज फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू हरी कमिंग डाउन द पीक। उनके फादर ने कहा था, बेटा वापस आते समय जल्दबाजी मत दिखाना, एक्साइटमेंट मत दिखाना। तो ये एडवाइस थी उनके फादर की अर्जुन को, कि हिज फादर एडवाइज हिम नॉट टू हरी कमिंग डाउन द पीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई वॉज अर्जुन अ बिट अपसेट आफ्टर स्केलिंग माउंट एवरेस्ट एज पर हिज फादर। व्हाई वॉज अर्जुन अ बिट अपसेट आफ्टर स्केलिंग माउंट एवरेस्ट एज पर हिज फादर। जैसा कि उसके फादर के द्वारा बताया गया था, और माउंट एवरेस्ट को वो स्केलिंग करते थे, थोड़ा अपसेट हो जाते हैं, ऐसा क्यों था। आंसर इज, अर्जुन अकॉर्डिंग टू हिज फादर वॉज अपसेट, उनके पिता के अनुसार अर्जुन अपसेट थे, एज हिज कैमरा बैटरी हैड रन आउट एंड ही कुड नॉट क्लिक फोटोग्राफ। कारण क्लियर था कि वो आते समय कैमरा की बैटरी डाउन हो जाने के कारण फोटो क्लिक नहीं कर पा रहे थे, और यही कारण था कि अर्जुन थोड़ा अपसेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब व्हाट हिज सिस्टर सेज अबाउट अर्जुन एडिक्शन। अर्जुन के पहाड़ियों पर चढ़ने का जो एडिक्शन था, उसके बारे में उनकी सिस्टर जो गौरी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, गौरी का बारे में बताया गया है, तो उनके क्या विचार थे इस राय में। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर, सी सेज व्हाइल विजिटिंग हिज ग्रैंड मदर इन पुणे अर्जुन स्टार्ट ट्रैकिंग इन द सैदरी हिल्स एंड गोट एडिक्टेड टू द फीलिंग ऑफ बींग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब ये अपने ग्रैंड मदर के यहाँ थे पुणे में, तभी वहाँ पर एक सैदरी हिल्स थी, वहाँ पर चढ़ना ट्रैकिंग करना के एडिक्टेड हो जाते हैं, और यहीं से उनको फीलिंग आती है कि संसार की जो ऊंची चोटियाँ हैं उन पर चढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डज माउंट लोत्से लाई, माउंट लोत्से कहाँ पर स्थित है। इट लाइज साउथ टू माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के जस्ट साउथ में ये सिचुएटेड है, स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज द लोत्से क्लाइम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट से डिफरेंट क्यों है माउंट लोत्से पर जाना। आंसर, इट इज टेक्निकली डिफरेंट फ्रॉम माउंट एवरेस्ट, द असेंट टू माउंट एवरेस्ट इज थ्रू ए रिज, टू गो टू लोत्से समिट वन हैज़ टू क्लाइंब अप द माउंटेन फेस विच गेट्स वेरी स्टेप एट प्लेसेस। बिल्कुल डिफरेंट है माउंट एवरेस्ट की अपेक्षा माउंट लोत्से पर जाना, इसकी चोटी पर पहुंचना, तो ये
अच्छी तरह से देखा गया है, पढ़ा गया है उसके बारे में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट मेक्स अर्जुन्स क्लाइम कमांडेबल, व्हाट मेक्स अर्जुन्स क्लाइम कमांडेबल, आंसर इज ही इज़ द फर्स्ट इंडियन सिविलियन टू क्लाइम माउंट लोत्से, वो प्रथम भारतीय नागरिक थे जो माउंट लोत्से पर पहुँचे थे। बट ये आपका हुआ क्वेश्चंस आंसर एंड एमसीक्यूज। अभी थोड़ा राइटिंग वर्क प्रैक्टिकल डिस्कस और प्रैक्टिकल और आपका ग्रामेटिकल वर्क यहाँ पर थोड़ा बचा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप बुक वर्क अपने जो एमसीक्यूज है बुक में ही करेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर है सभी क्वेश्चंस आप बुक से करेंगे, और आंसर में की पिक मैं आपको भेज रहा हूँ सीक्वेंस वाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आप सभी को वन बाय वन अपनी नोटबुक में करें, और अच्छी तरीके से याद करने का प्रोसेसर भी आप स्टार्ट कर दीजिए, साथ ही साथ याद भी करते रहिए, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं आपके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।